जिला मुख्यालय हमीरपुर में कुल्लू की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 29 वर्षीय महिला की लाश हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में किराए के कमरे से बरामद हुई है। मृतका की पहचान पूनम कुमारी पत्नी सुमित कुमार गाम सेरड़ जिला कुल्लू के रूप में हुई है। मृतका का पति कुल्लू में बुटको में काम करता है और 5 साल का बेटा स्कूल में पढ़ता है। पुलिस जांच कर रही है कि महिला की मौत हृदय गति रुकने से हुई है या किसी अन्य कारण से। मौत के कारणों का सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पूनम हमीरपुर में ऊन उत्पाद बनाने वाली फर्म बूटी को सेल सेंटर में कार्यरत थी। रोजाना की तरह रात को अपनी दुकान से ड्यूटी करने के बाद पूनम अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन सुबह काफी देर तक बाहर नहीं निकली। दूसरे कमरे में उसके साथ रह रही युवती ने पुलिस को सूचित किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि युवती की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है तथा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पता चला है कि घटना की सूचना मिलते ही बूटीको संस्थान के अधिकारी भी कुल्लू से हमीरपुर रवाना हो गए हैं। उधर DSP हेडक्वार्टर हितेश लक्षपाल ने बताया कि किराए के कमरे में से एक युवती की लाश बरामद हुई है। युवती की मौत कैसे हुई है इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। मृतका के परिजनों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने CRPC धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं। आदेशानुसार ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों पर लगाम लगाना जरूरी है जो संबंधित पुलिस स्टेशन से अपने चरित्र सत्यापन करवाए बिना वो उनसे ID कार्ड लिए बिना अपने आजीविका कमाने को लेकर जिला हमीरपुर में छोटे मोटे व्यवसायों में कार्यरत है, ताकि समाज विरोधी तत्व नौकरी पाने की आड़ में जिला के नागरिकों को नुकसान न पहुँचा सके। आदेश के अनुसार बहुत से गैर हिमाचली अपने आजीविका कमाने के उद्देश्य से, जैसे रेहड़ी फेहड़ी वाले, शॉल बेचने वाले तथा ठेकेदारों के पास विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कार्यों में मजदूरी करने के लिए जिला हमीरपुर में रह रहे हैं। इनमें से कुछ एक प्रवासी श्रमिक गंभीर अपराधों को अंजाम देकर चले जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे काम धंधों में लगे ये प्रवासी श्रमिक संबंधित पुलिस स्टेशन में अपने चरित्र का सत्यापन नहीं करवाते हैं, जिससे पुलिस को ऐसे अपराधियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों को जिला में आते ही संबंधित पुलिस स्टेशन में, जहां पर किसी व्यवसाय में कार्यरत हों, अपने चरित्र का सत्यापन करवाना अति आवश्यक होगा, ताकि जिला में तथा लोक सुरक्षा व सरकारी संपत्ति को भी किसी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। आदेश के अनुसार कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी जिला हमीरपुर में आजीविका के साधन कमाने के उद्देश्य से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को तब तक अपनी दुकान, प्रतिष्ठान में काम पर नहीं लगाएंगे जब तक वे संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा सत्यापित कर जारी किया गया ID, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र उन्हें नहीं प्रस्तुत करते। आदेश की अवहेलना करने वाले ऐसे प्रवासी श्रमिकों को उनके नियोक्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 60 दिन के 1 दिसंबर 2019 तक लागू रहेंगे। ज्वालामुखी के पास कथोप पंचायत में पिछले दिन मंगलवार देर रात को श्री कृष्ण लीला मंच के द्वारा विधिवत समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें मोहन भाटी पंचायत में पूर्व प्रधान रमेश चंद खोला, कृष्ण रामलीला मंच के प्रधान देशराज चौधरी, प्रधान मुनीर मोहन ने उनका स्वागत किया। पूर्व प्रधान रमेश चंद खोला ने मुख्य अतिथि धवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा का हिमाचली टोपी पहनाकर व स्मृति चिन्ह दिया। प्रधान रमेश चंद खोला ने बताया कि ये रामलीला
1984 में शुरू हुई थी, जिसको आज 35 साल पूरे हो गए हैं और ये स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ किया जाता है। इस साल कथोक पंचायत में पहली बार की जा रही है। आज रामलीला के समापन पर रावण वध किया गया और राजा राम की अयोध्या वापसी और राजा राम का राज तिलक किया जाएगा। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि नई पीढ़ी को नशे की आदत से दूर रखे और बुराइयों से भी दूर रखे और एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। धवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा ने कहा कि आज बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया जाता है और अधर्म पर धर्म की विजय होती है। रावण एक बहुत ज्ञानी आदमी था, उन्होंने बुराई का साथ दिया, पर आज के समय में राम जी जैसा पुत्र और पति हर कोई चाहता है, लक्ष्मण और भरत जैसा भाई, सीता जैसी पत्नी हर कोई चाहता है, हनुमान जैसा भक्त हर कोई चाहता है। इस अवसर पर उनके साथ ज्वालामुखी भाजपा मंडल के कथोक पंचायत प्रधान मुनीर मोहन, बोहन भाटी पंचायत प्रधान कमल कुमार, सुधीर चौधरी, कृष्णा रामलीला मंच के सभी सदस्य, देशराज चौधरी, रूपचंद छोटूराम आदि अन्य युवाओं ने भाग लिया।